आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मतगणना ड्यूटी में लगे कार्मिकों का सोमवार को योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिया जाएगा द्वितीय प्रशिक्षण। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम के सुरक्षा ड्यूटी में लगे दो उप निरीक्षक को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण किया निलंबित। की जा रही है विधिक कार्यवाही। मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन जनपद के सभी क्षेत्रों में जा करके लोगों को करेगा जागरूक। सेमेस्टर शुल्क को लिए जाने को लेकर डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव को प्रेषित किया ज्ञापन। शुल्क के फैसले को रद्द करने की मांग, जबकि कंफ्यूजन को दूर करने में कुल सचिव ने वित्त अधिकारी को, वित्त अधिकारी ने डीएसडब्ल्यू को बताया अधिकृत, जबकि अतिरिक्त शुल्क के फैसले के कन्फ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी है पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम मशीन की सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। जनपद पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बल 2400 घंटे दे रहे हैं ईवीएम को सुरक्षा। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे मीडिया से हुए रूबरू। कहा, मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रथम चरण का 7 मार्च से 15 मार्च तक चलाया जाएगा कोविड टीकाकरण अभियान। नवजात बच्चों से 2 वर्ष तक के बच्चों सहित 3813 गर्भवती महिलाओं का किया जाएगा टीकाकरण। आईटीएमएस कार्यालय से महानगर के विभिन्न चौराहों पर सीसीटीवी के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जा रहा है जागरूक। नियम तोड़ने वाले वाहनों का किया जा रहा है ई चालान। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 241। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और 20 मार्च से पूरे जनपद में चलाया जाएगा पल्स पोलियो अभियान। 8,84,000 घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम देगी दस्तक। 6,83,887 बच्चों को पिलाएगी पोलियो की खुराक।